अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ एक नई प्रोडक्ट लेके, जिसके रिव्यूज़ मैं आपको दूंगी और ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी आपको। आज मैं आपको बताऊंगी स्पेक्ट्रा मैट SC SPF 40 के बारे में। इसमें एक SPF 60 भी आता है, और SPF 60 वो जेल बेस्ड नहीं है। SPF 40 जो है वो जेल बेस्ड है। ये जेनफर्म का है स्पेक्ट्रा मैट। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लेम क्या करते हैं। तो ये क्लेम करते हैं कि ये नॉन कमेडोजेनिक है, वाटर रेजिस्टेंट है, हाइपोलर्जेनिक है, पैराबिन फ्री है, परफ्यूम फ्री है और नॉन ग्रीजी है। और डायरेक्शंस में इन्होंने बताया है कि अप्लाई इवनली ओवर एंटायर फेस, नेक एंड अदर एक्सपोज्ड एरिया एट लीस्ट 20 मिनट्स बिफोर द सन एक्सपोजर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। इससे पहले मैं यूज़ करती रही हूँ कोरियन सनस्क्रीन, तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने इन ब्रांड्स को प्रमोट करें और देखते हैं कि कैसा ये वाला सनस्क्रीन है। तो ये है इसकी पैकेजिंग। अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसी है। ये ट्यूब है इसके अंदर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। अब जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सनस्क्रीन ऑयली स्किन के लिए है स्पेशली, और एक्नी प्रॉन स्किन के लिए है, और नॉर्मल स्किन के लिए भी है। तो क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशनल स्किन है, मैंने इसको अप्लाई किया है, और आजकल विंटर्स हैं, तो विंटर्स में भी इसको अप्लाई करने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि ये सनस्क्रीन कॉम्बिनेशनल या ऑयली स्किन के लिए है। क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन थोड़ी स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है, और ये क्लेम करते हैं कि ये जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। ये अब्सॉर्ब नहीं होती, इसकी एक लेयर आपकी स्किन पे रह जाती है, जैसे कि सिलिकॉन बेस्ड आप कोई प्राइमर यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसका वैसा ही टेक्सचर है। हो सकता है कि नॉर्मल स्किन वाले जब इसको यूज़ करते हो तो उनकी ड्यूई सी लुक आती हो, लेकिन ऑयली या कॉम्बिनेशनल स्किन वाले तो पहले ही परेशान होते हैं ऑयल की वजह से। मेरा ये ख्याल है कि ये नॉर्मल स्किन वाले इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज अ प्राइमर आप इसको एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेकअप करना है तो बड़ी अच्छी फिनिशिंग हो सकती है, लेकिन ये अब्सॉर्ब नहीं होता स्किन में बहुत जल्दी। आपकी स्किन स्टिकी स्टिकी सी बाद में भी फील होती रहती है, और ऑयली स्किन वालों को तो वैसे ही ऐसा लगता है जैसे मुँह पर कोई ऑयल आया हुआ है। तो मेरी तरफ से तो ये नो है ऑयली या फिर एक्नी प्रॉन स्किन के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर एक्नी प्रॉन स्किन वाले भी इसको यूज़ करेंगे तो उनकी एक्नी मज़ीद बढ़ जाएगी बजाय कम होने के। और दूसरा ये कि इस ट्यूब में इसकी क्वांटिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने इसको 1 month यूज़ किया होगा, तो काफ़ी कम क्वांटिटी मुझे तो लग रही थी इसमें है। मैं आपको इसका टेक्स्चर चेक करा देती हूँ, इसका टेक्स्चर कैसा है। तो ये इस तरह से है, ये जिस तरह से आपको प्राइमर यूज़ करते हैं, और ये मैंने इसको अपनी स्किन पे लगाया है। स्किन पे लगाने के बाद ये है कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट फील होती है, लेकिन ये आपकी स्किन पे प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं होता। आपकी स्किन ज़रा स्टिकी स्टिकी सी रहती है इसको लगाने के बाद। तो मेरा ख्याल है ये ऑयली या एक्नी प्रॉन स्किन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल स्किन के लिए होगा, जिनको ज़रा ड्यूई सी लुक चाहिए होती है। तो वो इसको ज़रूर ट्राई करें, और फिर मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों ने यूज़ किया तो आपको कैसा लगा। क्योंकि मैंने यूज़ किया है, अभी तो विंटर्स हैं, तो विंटर्स में भी मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे एक अलग सी लेयर मेरे मुँह पर एक लग गई है। तो समर्स में तो आपको पता है कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जब आप इसको समर्स में यूज़ करेंगे तो फिर भी आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।